हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। हम भी यहाँ सब बहुत अच्छे से हैं। फ्रेंड्स, काफी दिनों से मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरी सास काफी बीमार है, तो एक महीने से बीमार है, तो वो कोई भी काम अपने आप से नहीं कर पाती है। मैं ही उनका सारा काम करती हूँ, तो इसलिए मैं कहीं बाहर भी नहीं जा पाती हूँ, तो ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मिनी रसगुल्ले की रेसिपी। इस तरीके से रसगुल्ले बनाना इतना आसान है कि आप घर में ही हलवाई से भी ज्यादा टेस्टी सॉफ्ट स्पॉन्जी रसगुल्ले घर में बना सकते हैं। तो रसगुल्ले बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1.5 लीटर टोंड वाला दूध। ये नीली थैली वाला दूध है, आप काऊ मिल्क भी ले सकते हैं। और आपके घर में यदि भैंस का दूध आता है तो उसको अच्छे से गर्म करने के बाद उसकी मलाई निकाल कर ही उसके रसगुल्ले बनाने हैं। और यदि आप पैकेट वाला फुल क्रीम दूध ले रहे हैं तो उसको भी अच्छे से गर्म करने के बाद उसकी भी मलाई निकाल कर ही रसगुल्ले बनाने हैं, क्योंकि टोंड दूध के रसगुल्ले ज्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनते हैं। तो चलिए अब इसको मैं गर्म कर लेती हूँ। दूध को गैस को हाई फ्लेम पर रखकर दूध को गर्म कर लेंगे, और दूध को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। जब आप दूध को उंगली से चेक करेंगे तो ये गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा गर्म होना चाहिए। अब गैस को बंद कर देंगे, और अब एक कप में 2 बड़ी चम्मच सिरका और 2 बड़े चम्मच के करीब इसमें पानी डालेंगे। अब इसको दूध में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। 2 चम्मच सिरका से यदि दूध फट नहीं रहा है तो जरूरत के हिसाब से सिरका थोड़ा और भी ले सकते हैं, और यदि दूध ठंडा हो गया है तो कुछ सेकंड के लिए गैस को चला भी सकते हैं। ये देखिए, थोड़ी देर में ही दूध अच्छे से फट गया, तो अब इसको उठाकर कॉटन के पतले कपड़े पर डाल देंगे। ये जो पनीर में से पानी निकला है इसको फेंकेंगे नहीं, बाद में यूज़ कर लेंगे। इसको दाल में डाल देंगे या फिर इससे आटा भी गूंद सकते हैं। अब इस पनीर को 3 से 4 कप पानी से अच्छे से धोएंगे। इसको अब अच्छे से निचोड़ लेंगे। पनीर को बहुत ज्यादा सूखा सूखा भी नहीं करना है, पनीर में हल्का सा मॉइस्चर होना चाहिए। ये देखिए, पनीर ऐसा होना चाहिए। अब इसको हथेली से 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से मैश करेंगे ताकि पनीर अच्छे से चिकना हो जाए। पनीर को आप जितना अच्छे से मसल मसल कर चिकना करेंगे, रसगुल्ले उतने ही ज्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे। पनीर को इस तरह से चिकना कर लेंगे तो रसगुल्ले भी क्रैक नहीं होंगे। 4 से 5 मिनट में ही पनीर अच्छे से चिकना हो गया, तो अब इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। इसको भी इसमें अच्छे से मिला देंगे। अब इसकी छोटी छोटी पेड़ी तोड़ लेंगे। अब इन पेड़ियों के गोल गोल रसगुल्ले बना लेंगे। रसगुल्ले बनाते टाइम ये देख लेना कि रसगुल्ले कहीं क्रैक तो नहीं हो रहे हैं। यदि रसगुल्ले हल्के से भी क्रैक हो रहे हैं तो फिर पनीर को दोबारा से मसल मसल कर चिकना करना पड़ेगा। ये देखिए, हमने सारे रसगुल्ले बना लिए। आप रसगुल्ले बनाने के लिए चाशनी बनाएंगे। पैन में डालेंगे 3 कप चीनी, ये वजन में 600 ग्राम है। हमने 3 कप चीनी ली है, तो 3 कप ही चीनी में पानी डालेंगे। गैस को हाई फ्लेम पर रखकर चीनी को पकाएंगे। थोड़ी देर में ही चीनी पिघल गई, तो इसमें 1 रसगुल्ला डालकर देखेंगे। रसगुल्ला चाशनी में डालने के बाद यदि फट रहा है तो इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और डाल सकते हैं। लेकिन हमारा रसगुल्ला फट नहीं रहा है, तो अब ये सारे रसगुल्ले डाल देंगे। साथ में डाल देंगे 4 से 5 इलायची को तोड़कर। इलायची डालने से रसगुल्ले का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इनको ढककर पकाएंगे। मैंने ढक्कन को थोड़ा खुला रखा है ताकि चाशनी बाहर नहीं निकले। आप इन रसगुल्लों को बिना ढके भी पका सकते हैं, और मैं इन रसगुल्लों को गैस को मीडियम फ्लेम पर रखकर पका रही हूँ, लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार गैस की फ्लेम को हाई या मीडियम पर रख सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि चाशनी में अच्छे से झाग बनने चाहिए। चाशनी में जितने अच्छे से झाग बनेंगे रसगुल्ले उतने ही टेस्टी बनेंगे। 6 से 7 मिनट तक रसगुल्लों को पकाने के बाद ये ढक्कन हटा देंगे। ये देखिए, रसगुल्लों का साइज डबल हो गया है, और ये चाशनी भी थोड़ी गाढ़ी हो गई है, तो इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच पानी डालेंगे। चाशनी को बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होने देना है। आपको ये ध्यान रखना है कि चाशनी पतली होनी चाहिए, क्योंकि यदि चाशनी गाढ़ी हो जाएगी तो वो रसगुल्ले के अंदर तक नहीं जाएगी।
और चाशनी यदि रसगुल्ले के अंदर तक नहीं जाएगी तो रसगुल्लों के बीच में गांठें बन सकती है, तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है। रसगुल्ले जब अच्छे से पक जाएंगे तो ये चाशनी में डूब जाएंगे। रसगुल्लों को 20 से 22 मिनट के करीब हो गए पकाते हुए। रसगुल्लों को पकाते टाइम मैंने इसमें बीच बीच में टोटल 9 से 10 बड़ा चम्मच पानी डाला है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि रसगुल्ले चाशनी में अच्छे से डूब रहे हैं कि नहीं। ये देखिए रसगुल्ले चाशनी में अच्छे से डूब रहे हैं। रसगुल्ले यदि चाशनी में नहीं डूबेंगे तो इसका मतलब है कि रसगुल्ले अभी कच्चे हैं, लेकिन हमारे रसगुल्ले चाशनी में अच्छे से डूब रहे हैं तो इसका मतलब है रसगुल्ले अच्छे से पक गए। आप इसमें केवड़ा वाटर या फिर रोज वाटर भी डाल सकते हैं। ये सफेद वाले रसगुल्ले खाने में ठंडे अच्छे लगते हैं, तो मैं इनको अच्छे से ठंडा करने के बाद 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ये हलवाई से भी ज़्यादा टेस्टी स्पॉन्जी स्पॉन्जी रसगुल्ले बने हैं। आपका जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो इस आसान से तरीके से आप घर में ही हलवाई से भी ज़्यादा टेस्टी स्पॉन्जी स्पॉन्जी रसगुल्ले बना सकते हैं। आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।